अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समी उल्ला खान और आप देख रहे हैं समी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी रिमोट अगर ख़राब हो जाए, काम ना कर रहा हो, तो उसको किस तरह आप ठीक करेंगे। तो इसके लिए किसी भी मोबाइल का कैमरा ऑन करेंगे, कोई भी सादा मोबाइल हो या टच वाला हो, तो इसमें देखेंगे कि अगर ये IR ब्लास्टर को देखेंगे, अगर ये ब्लिंक कर रहा हो तो समझ लें ठीक है, अगर ब्लिंक ना कर रहा हो तो ठीक नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले सेलों को चेक किया जाता है कि आया ये तो वीक नहीं है। तो एक सेल को निकाल के हम इसको चेक करेंगे, मीटर को 20 वोल्ट पे सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक वाला प्रोब है वो नीचे लगाएंगे और रेड वाला प्रोब ऊपर लगा के चेक करेंगे। ये 0.89 रीडिंग बता रहा है तो ये वीक है। 120 से ऊपर हो, मतलब 1.20 से ऊपर हो तो ये ठीक होता है। इसको चेक करेंगे, ये 1.55 बता रहा है तो समझ रहे हैं ये कुछ बेहतर है, ये ठीक है। 1.20 से ऊपर होना चाहिए। अब दूसरे सेल को चेक करेंगे, दूसरे रिमोट के सेलों को चेक करेंगे, ये 1.60 रीडिंग आ रही है, ये बिल्कुल नया, बिल्कुल जो नया सेल होता है उसकी यही रीडिंग आनी चाहिए। दूसरे सेल को चेक करेंगे तो ये भी 1.60, ये भी बिल्कुल सही भी सेल है, मतलब इस रिमोट के अंदर मसला है कुछ। पैरेलल रिमोट को खोलेंगे कि आया इसमें कुछ, ये यहाँ टांके लगे होते हैं, यहाँ कोई लूजिंग वगैरह तो नहीं है, ये कहीं भी लूजिंग हो तो उसको आपने सोल्डरिंग आयरन से ठीक कर लेना है, कहीं भी लूजिंग हो तो उसको ठीक कर लेना है। ये ठीक था तो उसको हम दोबारा फिट कर लेंगे, मतलब इसके सेलों में सिर्फ मसला था, इसको दोबारा हम फिट कर लेंगे। देखो अच्छे से बिठाना है। जिस सेलों वाले जो कनेक्टर हैं इनको बिल्कुल सही वही कट वाली जगह से गुजारना है, फिट कर लेंगे। इसमें सेल नए सेल डाल के इसको चेक करेंगे, कैमरा ऑन कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये अभी ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये जो IR ब्लास्टर है ये ब्लिंक कर रहा है, ये देख लें हल्की सी रोशनी निकलती हुई नज़र आ रही है, समझ लें ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब दूसरे रिमोट को उठाएंगे और इसको ओपन कर लेंगे, ये इनको चेक करेंगे उस तरह से, ये लीजिंग तो नहीं है, ये जो कनेक्टर हैं सेल वाले हैं तो उसको चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे पानी का निशान है कुछ, फिर ब्रश से साफ कर लेंगे, लगता है इस रिमोट में कुछ पानी वगैरह गया है तो इस वजह से ये मसला हो रहा है, इसको ब्रश से बिल्कुल साफ़ कर लेंगे, ये कार्बन आया है पानी की वजह से, इसको साफ़ कर लेंगे। जहाँ भी आपको पानी नज़र आए PCB में ऊपर तो उसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है अच्छे से। ये कनेक्टर जो है ना इनको ज़रा देख लेना है कि यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है, या असल में ढीले हो जाते हैं जो टांके हैं, तो उनको आपने पक्का कर लेना है सोल्डरिंग आयरन से, या हम इसको थोड़ा मजबूत कर लेते हैं। थोड़ा सा भी ढीला हो तो ये काम नहीं करता रिमोट, तो इसको हम बिल्कुल ठीक कर लेंगे। एक पॉइंट थोड़ा ज़्यादा लूज है तो इसको सोल्डरिंग से लगा कर ठीक कर लेंगे, तो दोबारा अच्छे तरीके से बिठा देना है। सेल लगा लेंगे, इसको कैमरे को दोबारा ऑन करेंगे और देखेंगे, ये देखें अभी ब्लिंकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है आपको, तो ये रिमोट भी बिल्कुल ओके हो गया है। व्यूअर्स, आज की मेरी ये वीडियो बस इतनी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।